सेंधवा। शहर के एक निजी अस्पताल में बीती रात एक मरीज की मौत के बाद सुबह परिजन और आदिवासी मुक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना देकर नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को समझाइश दी गई और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं SDM सेंधवा तपस्या परिवार द्वारा जाँच कराए जाने की बात कही। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए जानते हैं। और बिल का भी कुछ मामला है? कब से इलाज हो रहा था? 63,000 रुपए में उसको पूरा ट्रीटमेंट करने की बात करी थी, 29,000 रुपए भर दिए थे और बाद में 11 बजे मालूम पड़ा कि वो मर गया है, तो वो बोल रहे कि बाकी के पैसे 34,000 जमा करो नहीं तो तुम्हारी लाश नहीं देंगे। कब मौत हो गई थी? रात को 11:30 बजे। कब से भर्ती थे पेशेंट? 3 दिन हो गए। और ये उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी था जिसका वो पेमेंट नगद लिया और आयुष्मान भारत कार्ड के पेमेंट भी अलग से ले रहा है। अभी आप ये बताएं, अभी आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इसको दवाखाने को सील किया जाए और तुरंत डॉक्टर आनंद गुप्ता पे FIR दर्ज करा के एट्रोसिटी एक्ट के तहत मृतक परिवार को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए। हाँ, आनंदन हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद रात में उनके द्वारा कि वो पैसे की मांग की जा रही, इलाज के जो पैसे वो और दो करके, और उसका जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड उसके हिसाब से उसको पेमेंट कटना था, इस तरह से लेके बात के काफ़ी लोग गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उनको समझाया गया और अभी अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी का PM यहाँ पे सरकारी अस्पताल में करा के अभी चाचरिया भिजवाया गया उसको। सर क्या आश्वासन दिया गया? अभी इसमें जाँच की जाएगी, मर्ग कायम कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। क्या मांगे सर उनकी? ग्रामीणों की क्या मांगे? उनकी मांग ये थी कि आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं कराया गया, उसका एक ये मांग थी, और उसका जो 63,000 की पैसे की बात हुई थी तो वो 35,000 रुपये और मांग कर रहे थे वो, इस तरह से तो फिर उनसे बात की गई है। आपके अस्पताल में एक मरीज के मौत का मामला है, परिजनों को और आसपास के साथी लोगों द्वारा दिन में हंगामा किया गया, क्या घटनाक्रम है और आपके अस्पताल में क्या हुआ? आहत मेरे अस्पताल में पेट की समस्या के साथ परसों भर्ती हुआ था। उसके साथ वालों द्वारा मुझे बताया गया कि वो पिछले 8 दिनों से करुणा अस्पताल में भर्ती था, और जब वो हमारे आया उसकी जांचों में हमने ये पाया कि उसकी आंतों में रुकावट है, साथ ही उसकी आंतें फट चुकी है। मरीज काफ़ी गंभीर अवस्था में ही हमारे यहाँ पर लाया गया था, जिसके बारे में मरीज के परिजनों को अवगत करा दिया गया था कि मरीज की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और वो चाहे तो कहीं आगे इंदौर या किसी भी अन्यत्र बड़े अस्पताल में बड़ी जगह पर ले जा सकते हैं, पर उनके द्वारा मुझसे ये कहा गया कि हम पिछले 8 दिनों से करुणा अस्पताल में भर्ती थे, अब हमारे पास कहीं और जाने की गुंजाइश नहीं है, हम जो भी है इलाज यहीं पे चाहते हैं, इसीलिए उनकी रजामंदी के बाद ही इस अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया और मरीज की जो भी गंभीर स्थिति थी उसके बारे में उनसे रिटर्न कंसेंट लेके हम लोगों ने आगे इलाज शुरू किया था। सर एक हड्डी के डॉक्टर द्वारा पेट का ऑपरेशन करने का आरोप लगाया गया, क्या है? ये बिल्कुल ही सरासर झूठ और क्या कहूँ मैं इस बारे में, आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आप मैं एक हड्डी का डॉक्टर होकर पेट का ऑपरेशन कैसे कर सकता हूँ? क्या है सर, फिर क्या घटना? मरीज का ऑपरेशन हमारे यहाँ 2 सर्जन है, जनरल सर्जन, उन्हीं के द्वारा किया गया है और उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी है। आपका अस्पताल हड्डी का अस्पताल है, पेट का ऑपरेशन किया गया, उसके बाद में उनका ये भी कहना है कि उनके पास एक आयुष्मान कार्ड है जिसके पैसे नहीं होते हैं, फिर भी आपके द्वारा लाश को रोक के पैसा मांगा गया, ये कहना भी सरासर झूठ है। रुपयों के लिए मरीज की बॉडी नहीं रोकी गई, रात में उन्हें कह दिया गया था कि आप उसे ले जा सकते हैं, आपके पास रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके अटेंडर ही लेके नहीं गए और उन्होंने सुबह से विवाद किया। अब रही आयुष्मान कार्ड की बात, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड हमें बताया ही नहीं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। यदि उनके पास आयुष्मान कार्ड था तो जो उन्होंने एडवांस में 30,000 रुपये जमा किए वो जमा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, उन्होंने सहमति पत्र साइन किया हुआ है।